रामनगरी अयोध्या में रामलला की भव्य मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से अपनी अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। तो वहीं रामलला के भव्य मंदिर निर्माण की एक और अपडेट सामने आई है। दरअसल रामलला के गर्भगृह के दरवाजे में महाराष्ट्र के चंद्रपुर जंगल की सागौन की लकड़ी लगेगी। दरवाजे बनाने का काम शुरू हो इससे पहले 26 से 30 जून के बीच अयोध्या में काष्ठ समर्पण यानी अपनी ओर से लकड़ियों को दान देने के कार्यक्रम के भव्य आयोजन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बताया जा रहा है कि इसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद हो सकते हैं। इसके लिए 16 सदस्य समिति का गठन कर दिया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के प्रतिनिधियों की मौजूदगी रहेगी। हालांकि अभी महाराष्ट्र के सीएम के आने की निश्चित तारीख पर मोहर लगना बाकी है। कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए अयोध्या के प्रमुख संत महंत भी शामिल रहेंगे। इस समर्पण कार्यक्रम में अयोध्या जिले से समिति में 2 लोगों को शामिल किया गया है, जिसमें भाजपा के क्षेत्रीय महासचिव कमलेश श्रीवास्तव और विधायक वेद प्रकाश गुप्ता हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर से राम मंदिर में लगने वाली लकड़ियों की पहली खेप कुछ दिन पहले ही पहुंच चुकी है और कुछ पहुंचने वाली है। बता दें कि पहली खेप में 1855 घन फीट लकड़ी पहुंची है। कार्यक्रम के माध्यम से लकड़ी का समर्पण महाराष्ट्र के सीएम प्रदेश सरकार को करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी के साथ प्रदेश सरकार के अन्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि समर्पण की तिथि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से समय मिलने के बाद ही तय किया जा सकेगा। महाराष्ट्र के फॉरेस्ट मिनिस्टर और वहाँ की सरकार ने जो विशेष लकड़ी चाहिए थी इन प्रभु राम के दिव्य भव्य राम मंदिर के दरवाजों के लिए ये उसको वहाँ सागौन की वो वहाँ मिली है। उन्होंने उसको अपनी तरफ से मंदिर को भेंट देने का एक योजना बनाई है। मेरी जानकारी जो आई है, कुछ लोग आए थे महाराष्ट्र से और उन लोगों ने बताया कि वो लकड़ी के ट्रक वहाँ से रवाना हुए हैं और वो अयोध्या आ रहे हैं। वहाँ से उस कार्यक्रम में माननीय फॉरेस्ट मिनिस्टर, माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, उन लोगों ने वहाँ से रवाना किया है और यहाँ पर ये कार्यक्रम संभावित 28-29-30 में किसी डेट के बारे में वो बता रहे थे कि जब वहाँ के मुख्यमंत्री जी और भी अन्य VIP लोग इसमें आने का निर्णय करेंगे और फिर यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी का भी वो समय लेने की प्रयास कर रहे हैं, वो फाइनल हो जाएगा तब डेट फाइनल होगी। लेकिन ये है कि एक अच्छा कार्यक्रम होगा और प्रभु राम के दिव्य भव्य राम मंदिर के लिए जो आदरणीय नृपेंद्र मिश्रा जी ने जिस कास्ट को पसंद किया था वो कास्ट वहाँ से आ रही है, लकड़ी वहाँ से आ रही है। देखिए अभी ये मेरे पास वो लिस्ट अभी नहीं है कि इसमें कौन कौन लोग हैं, लेकिन मुझको ये बताया कि आप भी हैं तो विधायक के नाते अयोध्या में कोई भी कार्यक्रम होता है तो स्वाभाविक है वो नाम मैं ना भी रहूँ समिति में तो मेरी जिम्मेदारी है। मैं अयोध्या का सेवक हूँ, अयोध्या के सेवक के नाते मेरा कार्य है कि जो भी आप सभी योजना, हाँ ऐसी मेरे को जानकारी दी गई है। राम मंदिर निर्माण समिति की पिछली कई बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि मंदिर के दरवाजे और खिड़कियों में महाराष्ट्र के चंद्रपुर के सागौन लकड़ी से बनाए जाएंगे। समिति अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने इसका निर्णय देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के जानकारों से बात करने के बाद लिया था। सभी ने इस लकड़ी को सर्वश्रेष्ठ बताया था। जानकारों ने दावा किया है कि 600 साल इसकी मजबूती बरकरार रहती है। अयोध्या में बन रहे रामलला के मंदिर के प्रथम तल का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। प्रथम तल में 14 दरवाजे का निर्माण होना है, जिसमें प्रवेश द्वार और मंदिर का गर्भगृह का भी दरवाजा शामिल होगा। बताया जा रहा है कि नए बने संसद भवन में भी इसी लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी सागौन की लकड़ी की और खेप भी अयोध्या पहुंचते रहेंगे। गौरतलब है कि 2024 जनवरी माह में रामलला को उनके गर्भगृह में विराजमान करा दिया जाना है। ऐसे में ट्रस्ट ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने की मांग की है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर उनसे समय भी मांगा है। तो फिलहाल के लिए राम मंदिर से जुड़ी इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही देश दुनिया की तमाम और अहम खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।